अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे वीवर, क्या हाल है? उम्मीद रखता हूँ ठीक ठाक हो। सो तो मोहतरम, मैं भी ठीक ठाक हाँ। तो अच्छ साढ़े को हो रही है बारिश, मैं क्या ब्राह्मण ने जरा ना वीडियो थोड़ी जी दिखा ली है। ए जनाब माहौल है साढ़े को, बारिश शुरू है, गड़े सामने ने दरख्त हरे भरे, लेकिन जी मेन प्रॉब्लम है वह भी थोड़े ना शेयर करते हैं। बारिश अच्छी चीज़ है, बारिश होनी चाहिए है। नहीं है घर है थोड़े सामने, ये थले बैठा, बारिश हो रही है ठीक है। तो गल मैं करना चाहना कि जो शहर वाले ने तो बड़े इंजॉय कर रहे हैं, तो जोड़ा देहात वाले ने ना पिंड थाव वाले जट जो जमींदार ने वो बेचारे परेशान होने, फसल तैयार ने तो हूँ नाल चली है हवा, थोड़े सामने ट्रक चल रहे हैं। इस बारिश के जो हवा चलती है ना तो जटा के दिल जो डुल जाते, क्योंकि उन्होंने फसल तबाह हो जाए, क्योंकि उन्होंने सारिया उम्मीदा फसलों पर ही आदि, किसी शादी रखी है तो किसी जनाब कोई काम करना, किसी मकान पाने तो किसी कोई कर्जा देना, तो किसी जनाब कोई कारोबार करना, तो माहौल तो रोमांटिक या इंजॉय करने वाला, लेकिन नहीं जट्टां वास्ते ना जमींदारां वास्ते माहौल जिहड़ा ना ये दिल नूं परेशान करने वाला, क्योंकि उन्होंने सारिया उम्मीदा इसे ते होंदियां ने ठीक है। तो किसी अपना बेटी रुखसत करनी है, तो किसी बेटे की शादी करनी है, तो किसी कोई काम करना, तो मौसम तो प्यारा लेकिन जमींदारों वास्ते ये मौसम प्यारा नहीं है। यह थोड़े सामने जनाब मैं घरे लाए ने जनाब पौधे, आ गुलाब आ नाल ही जनाब और वाइट फुल, उस वट के नाल अमरूदा का पौधा खड़ा, आ जिहड़े तीन बूटे आए टमाटर दे ठीक है, नाल ही धनिया बीजियां जनाब, ऐ जनाब जामन आ नाल गुल दुपहरी आ बकैनी दे थले, आ मोटर पंप आ नाल अगे फिर अपना फुल आ ते नाल गुल दुपहरी लगी आ, आ जनाब बच्चे नहा रहे ने, ते मौसम तुहाडे सामने आ, इन्नी बारिश हुई है तो बारिश हो के जनाब रुक गई, आ सामने अल्लाह दा घर आ, बच्चे भी इंजॉय जनाब कर रहे हैं। हाँ मजे ना जी। रेन अच्छी लगती है जी। अच्छा स्कूल आप नहीं गए? उधर कोई भी नहीं है। उधर कोई भी नहीं है? नहीं। आप गए हैं पता कर रहे हैं? नहीं। फिर आपको कैसे पता उधर कोई भी नहीं? कोई भी। अच्छा चीज भी मिल गई और स्कूल भी नहीं गए? तो रोजा नहीं रखा आपने? नहीं तत्ता, तत्ता। तो फिर चीज क्यों खा रहे हैं? भाई खा रहे हैं। आप नहीं खा रहे? नहीं मैं खा लिया पूल में। आपने रूम में खाई है, रोजा रखा हुआ जी। वो फिर रोजा कौन सा रखा हुआ? दाल वाला। घर वाला जी के दाल वाला? दाल वाला। दाल वाला रोजा, चलो ठीक है। अमरूद का पौधा, मेरी मोटरसाइकिल, कमेंट्स करके दसना तुहाडे कोल रेन हो रही है कि नहीं हो रही, और तुसी इंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे। मैं जनाब इस टाइम फिर बारिश हो रही शुरू, तो मैं बारिश च ही खड़ा ठीक है, बच्चे मेरे दरख्त थले खड़े ने, आ छोटी जी बकैनी नूं 2 साल हो गए ने बकैण लाए, तो 2 साल दी मेहनत वेख लो ना, बंदे तो किस्मत वाले ने सायदे थले, लेकिन इस ते मैं मेहनत बड़ी कीती, इहनूं काफ़ी सारियां मैं जहरां पाईआं ने, दवाइयां पाईआं ने, खादां पाईआं ने,
ਦੋ ਸਾਜ ਪਾ ਕੇ ਸਾਇਆ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਸਾਇਆ ਬਣ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਸਕੀਏ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਪਾਈਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ ਤਿੰਨ ਮਰਲੇ ਦਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿਚਨ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਚੈਨ ਇਹ ਗੇਟ ਆ ਸਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਪ ਬਣਾਈ ਆ ਨਾਲ ਪੰਪ ਆ ਬਾਥਰੂਮ ਓੜੂ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਆਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੀਡ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਦਾਦਾਰ ਵੀ ਕਰੇ ਸੋ ਔਰ ਜਨਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਸ ਆਖਿਆ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾ ਬਾਏ ਬਾਏ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸਾਡਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਬਣਾ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ ਕਰਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ